वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी बर्गर या फ्लैट ब्रेड बर्गर। उसके लिए मैंने यहाँ पे ल्यूकवॉर्म वाटर ले लिया है। इसमें मैं हाफ टेबल स्पून शुगर डालूंगी, 1 टेबल स्पून यीस्ट डालूंगी। इसे मिक्स करेंगे। इंस्टेंट यीस्ट चाहिए। यहाँ पर मैंने आधा 1.25 किलो आटा मैदा लिया होगा। देखिए इसमें बीच में मैंने होल किया हुआ है, देखिए इसे डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून ऑयल, सॉल्ट टू टेस्ट, वन टेबल स्पून दही डालूंगी। अब इस सबको मैं मिक्स करके एक सॉफ्ट डो गूंद लूंगी। यहाँ पर मैंने हाथ में तेल लगा लिया है। अब इसे दो घंटे के लिए रख दूंगी मैं। इसे डैम क्लोज से ढककर रख देंगे 2 घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने 1.25 किलो चिकन का कीमा ले लिया है। इसमें मैं इसे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स क्रश है, ये 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली चॉप है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया है, हैंडफुल ऑफ हरा धनिया जिसे चॉप कर लिया है, हैंडफुल ऑफ पुदीना इसे भी चॉप कर लिया मैंने। अब इन सबको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। एक लेमन जूस डालूंगी। और सॉल्ट टू टेस्ट। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं एक अंडा तोड़ के डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें पिंच ऑफ सोडा डाल दूंगी। अब मैं हाथ गीला करके इसके बर्गर पैटी बनाऊंगी। देखिए ये साइज के पैटी बना देंगे हम। ऐसे ही मैं सबको बना लूंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने बर्गर पैटी रेडी कर लिया। अब इसे मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ देखिए आटा क्वांटिटी में डबल हो गया है। ये देखिए इसके मैं पेड़े बनाकर फिर से आधा 1 घंटे के लिए रख दूंगी।
ये साइज के छोटे छोटे पेड़े, बनाऊंगी मैं। ये देखिए मैंने पेड़े बना लिए हैं, आधा आधा मैंने उठा के रख दिया है। अब इसे भी मैं फिर से ढक कर रख दूंगी और थोड़े गैप से रखें ताकि ये फूलें तो एक दूसरे को चिपके नहीं। यहाँ पर देखिए जो पेड़े मैंने छोटे छोटे बना के रखे थे वो डबल हो गए हैं साइज में। अब मैं इसकी तंदूरी रोटी बनाऊंगी। इस पे आटा लगाऊंगी। देखिए ओवल शेप की मैंने तंदूरी रोटी बेल ली है। इस पर अब मैं हाथ घी लगा के पानी लगाऊंगी, थोड़ी सी खिलौंजी डालूंगी, पुदीने के पत्ते, हरा धनिया के पत्ते, हाथ से ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। अब इसको उठाकर मैं तवे पे डाल दूंगी। यहाँ पर तवा गर्म हो गया है, जो गीला पार्ट किया था उसे नीचे डालेंगे। उसके बाद तवे को पलटकर गैस पर सेकेंगे। देखिए कैसे फूल रही है हमारी रोटी। चारों तरफ से अच्छे से सेकेंगे इसे। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया इसके ऊपर। अब इसे फ्लैट स्पून से निकाल लेंगे। ये देखिए अगर आप चाहें तो इसके ऊपर इधर बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम बटर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसका बर्गर बनाना है। ऐसे ही करके मैं सारे ब्रेड बना लूँगी। ये देखिए दूसरा ब्रेड भी मैंने बना लिया है। कितना सॉफ्ट और फूला फूला सा बना है ये। यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक ग्रिल पैन गैस पर रख दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा तेल डालूंगी, 1 टेबल स्पून। और इसमें मैं बर्गर पैटी डाल दूंगी। इसे दोनों साइड से अच्छे से पकाएंगे। इसे पलट कर देखेंगे। देखिए कितना अच्छा निशान आया है इसके ऊपर। देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से पकाएंगे। तब तक बर्गर पैटी रेडी हो रहे हैं।
यहाँ पे मैं आपको ड्रेसिंग बनाना बता देती हूँ। ये हंकड़ है 1 कप, इसमें मैं 1 टीस्पून चॉप गार्लिक डालूँगी, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, पिंच ऑफ क्रश रेड चिली, सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वन फोर्थ टीस्पून ऑलिव ऑयल, ये देखिए एक ब्रेड मैंने इस तरफ से और एक ब्रेड मैंने ऐसे उल्टा रखा हुआ है, जैसे आप चाहें आपकी मर्जी है। बर्गर पैटी रखेंगे, इसमें स्लाइस अनियन रखेंगे, फिर जो ड्रेसिंग हमने बनाई थी पुदीने के पत्ते, फिर इसको हम ऐसे करके बंद कर देंगे। अगर ये रुकता नहीं है तो आप इसमें टूथपिक भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए तंदूरी बर्गर रेडी है, मैंने इसे अनियन रिंग और लेमन वेजेस के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।